नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर आज सुबह रवाना हो गए। उनका अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। यहां से प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के नियोते पर अमेरिका गए हैं। उनकी इस विजिट की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि ये देश मेरा घर है और भारतीय मूल के लाखों लोगों का भी। पिछले कई वर्षों में भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका राष्ट्र का योगदान दिया। वो लोग काफी तरक्की करके इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण के संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा, जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic. You know that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every day, every year, World Yoga Day is celebrated here. But this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. और इस बीच एक बड़ी खबर, नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया गया है। तेजस्वी यादव और संजय झा रवाना हो गए हैं तमिलनाडु के लिए विपक्षी एकता की बैठक से पहले। सीएम नीतीश कुमार का होने वाला तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम आखिरी वक्त पर रद्द किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम वहां द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की स्मृति में उनके पैतृक शहर तिरुवरूर में बनाए गए कलैगनार कोटम का उद्घाटन करने वाले थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह पर डिप्टी सीएम और मंत्री जा रहे हैं चेन्नई। रवाना हो गए हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने इस मामले में सोरो सेक्शन सिग्नल के जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। इस मामले में सीबीआई ने जेई से पूछताछ भी की थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद से वो लापता है। अधिकारियों का कहना है कि जेई का पूरा परिवार फरार है, जिसके बाद उसका घर सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को सीबीआई की टीम जेई आमिर खान से दोबारा पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके घर पर ताला लटका मिला। टीम ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन जेई और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उसके घर को सील कर दिया गया। बताया गया है कि जेई आमिर खान सोरो में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था।
यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समान नागरिक संहिता कानून और आदि पुरुष फिल्म और 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर बीजेपी सरकार को घेरा और इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। आदि पुरुष फिल्म पर उन्होंने कहा कि ये फिल्म इन्हें उल्टी पड़ गई है। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मजहब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी, ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, हमारा देश मिर्जापुर में भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। मंडलीय अस्पताल में बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ते हुए देखकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बढ़े हुए लोगों के लिए 50 बेड और छोटे बच्चों के लिए 100 बेड की व्यवस्था कराई है। इन वार्डों में एसी कूलर सहित पानी की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, इस वक्त भारी भीषण गर्मी यहाँ पे जनपद में पड़ रही है, सब जगह पड़ रही है। उसी के क्रम में कुछ संभावित हीट स्ट्रोक के और इस तरह के जो बुखार वाले केसेज आ रहे हैं उसी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ जिला अस्पताल में आई हूँ। इसी क्रम में हमारे पास 50 बेड बड़ों के लिए और लगभग 100 बच्चों की व्यवस्था यहाँ पर बना ली गई है। एसी कूलर और पानी की व्यवस्था भी यहाँ कर ली गई है। यदि और अगर पेशेंट्स आएंगे तो और व्यवस्था भी उनके लिए बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भी पानी पिएं और बच्चों को भी पानी और वृद्धों को अवश्य पानी पिलाएं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 6 माह से छोटा यदि आपका बच्चा है तो क्योंकि आप उसे पानी नहीं पिलाते हैं तो स्वयं को अवश्य अधिक पानी आप लोग पिए। अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भी ज़्यादा पानी पिए क्योंकि आप ही के माध्यम से वो पानी बच्चे में जाएगा। यदि 6 माह से अधिक का बच्चा है तो आप बच्चे को लगातार ज़्यादा पानी अवश्य पिलाते रहें क्योंकि पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जा रही है और पता भी नहीं चल रहा, इसी की वजह से डायरिया और हिंदू संगठनों ने आदि पुरुष फिल्म बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म के कुछ डायलॉग को लेकर लोग गुस्से में दिखे। नाराज लोगों ने हजरतगंज में सड़क पर फिल्म के पोस्टर जलाने की भी कोशिश की है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के एमपी में आने को लेकर कहा कि ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर का शुभारंभ करेंगे, साथ ही पार्टी के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर, पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे
उसी दिन फिर सहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। रानी दुर्गावती जी का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस बार तय किया है सरकार ने कि 22 जून को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिए। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही। इसी क्रम में मंगलवार से बीजेपी ने घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र की बूथ नंबर 45 पर पहुंचकर इस अभियान का शुभारंभ किया है। महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ है। मैं भी रामेश्वर जी के साथ महाजनसंपर्क अभियान में आज निकला हूं। मोदी जी की सरकार के मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में देश बदला है, जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश का विकास और जनता के कल्याण में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के काम और प्रदेश की सरकार के कामों को लेके हम लोग अब निकले हैं जनता के बीच। वो जनता हमारी जनार्दन है, भगवान है, उसके बीच जा रहे हैं और अपने कामों से परिचित करा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत आह्लादित और प्रसन्न हूं क्योंकि जनता का भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है। महाजन तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि गीता प्रेस को मिले सम्मान का विरोध करना हमारी संस्कृति, परंपराओं, जीवन मूल्यों और हमारे धर्म का अपमान है। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। आप भी सुने। जय दयाल जी, गोविंद का जी जैसे मैं तो बचपन से अगर आध्यात्मिक साहित्य मैंने पढ़ा तो गीता प्रेस का पढ़ा, गीता प्रेस की गीता जी और बाकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ हमारी एक तरह से प्रेरणा हुई। मैं गीता प्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, अगर वो ना होती तो शायद कई धर्म ग्रंथ जनता तक नहीं पहुंच पाते। गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करना ये हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे जीवन मूल्यों का और हमारे धर्म का अपमान है, इसको जनता सहन नहीं करेगी। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा, चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने सवा साल में, पिछले सवा साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना, कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराने और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा,
हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार यानी 19 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे बवाल के बीच विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि इस पर विवाद आखिर क्यों हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गोवा में ये पहले से ही लागू है, अब लॉ कमीशन इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है। और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से दिग्गज लोग थे, बनाया थे इन्हीं लोगों ने था। और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राय। और बहनों भाइयों, यह ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को कई कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही वो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और रानी दुर्गावती गौरव यात्रा समापन कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर जानकारी दी, तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। दरअसल कमलनाथ जी क्या उद्योगपति व्यक्ति हैं, पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बात बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, ये जो खिसियाट है ना कि हमारी चक्की, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया, बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो, अब चक्की के दोनों पार्ट ही टूट लिए हैं, आप तय मान के चलो कि आपका कल आने वाला है ही नहीं। आप वही हो जो कहते थे कि अगला 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे, आप वही हो जो कहते थे विधायक दल की अगली बैठक हमारी उपचुनाव में सीएम हाउस में हुई थी, एक भी बात सही नहीं निकली आपकी, ये भी नहीं निकलेगी। मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं, ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है जयराम रमेश जी। ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते। और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है, ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर बारे समझ नहीं सकते गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है, बस यही आपत्ति है, यही तुष्टिकरण की राजनीति। हमारे सिरमौर वैश्विक नेता 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में आएंगे, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। यह कार्यक्रम सकारात्मक राजनीति के लिए एक नया संकल्प और नई शक्ति प्रदान करने वाला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ में
माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करें। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है, आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसमें चार लोग अब अभी तक कुल चार लोग गिरफ्तार हो गए। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि हम इस तरह की जो मानसिकता है इस मध्य प्रदेश के अंदर उस मानसिकता को ही कुचल देंगे।